जी जय हिंद तो कैसे आप लोग तो देखिए भाई अगर आप बीपीएससी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो बस ये क्लास आप भी के लिए है क्योंकि आपको पता होगा जो दूसरा एग्जाम हुआ था उसमें आधुनिक भारत के इतिहास से हमेशा बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया था तो ये आपके लिए बड़ा काम आएगा और मैं आपको तैयारी कराऊंगा एकदम टॉपिक बाय टॉपिक क्योंकि अगर मान लेते हैं कि मार्च में एग्जाम है तो अभी से अगर शुरू करते हैं तो टॉपिक बाय टॉपिक करते हुए हम लोग पूरा का पूरा आधुनिक भारत का पूरा रिवीजन हो जाएगा साथ में महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी कर लेंगे और ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा मैं बता दू और भी कि एक दस बजे भी आपका ज्योग्राफी का है आवाज बाज आ रहा है कि नहीं जल्दी बता दीजिए मुझे सबसे पहले बताइए आवाज बाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है हाँ या ना आवाज सही से आ रहा है जय हिंद एस के बक्सर जी स्वागत है तो चलिए फिर शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने और सबको पहले बताइए आवाज सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है जय हिंद विकु जी तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूरोपीय आगमन से पहला ही आधुनिक भारत का ये होता है यूरोपीय आगमन और कुछ मिक्स क्वेश्चन भी लेकर आया हूं और कल भी एक टॉपिक दे दूंगा भाई कल आप दिन में पढ़ लीजिएगा रात में हमारे पास इधर आ जाइएगा टन से और ओकाबाद एग्जाम देना शुरू करेंगे चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने किरण जी स्वागत है एस के जी स्वागत है रोशन जी चलिए ओके निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था जल्दी बताइए कौन अधिकारी था यानी कौन पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया सच पर बोले तो वास्तविक संस्थापक था वास्तविक संस्थापक था पुर्तगालियों का भारत में ने जो वास्को डिगामा है तो आए थे भारत खोजे थे कब चौदह में में भारत खोजे थे दो बार आए थे यहाँ पर भारत में अब बात करते हैं कि पहला जो थे अलमेड़ा थे जो गवर्नर थे दूसरा थे अलबुकर तो मतलब बुकर था ना जी कैसे नाम है तो 1510 में बीजापुर के राजा यूसुफ आदिल शाह से इन्होंने गोवा को जीत लिया था टू क्या होगा दू सही होगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग दुर्ग मतलब किला का नाम कोची है तुई है तुई है तुई है तुई है या जल्दी बताइए अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित किलावा का नाम कोची फोर्ट सेंट डेविड या फोर्ट सेंट ई जल्दी बताइए आशा जी स्वागत है तो यहां पे क्या होगा विलियम फोर्स देखिए विलियम फोर्स की स्थापना जॉब चौर ने की थी ठीक ना जॉब चौर ने की थी और यहां का पहला जो अध्यक्ष था जो आपके बीपीएससी में भी आया था उसका नाम था चार्ल्स आयर ठीक ना चार्ल्स आयर और एक चीज और भी है सत्रह में आपका ये लड़ाई हुआ था ना संतावन में प्लासी का युद्ध सत्रह सो में सिराज दौला ने इस पे अधिकार कर लिया था और फिर भी मानिक चंद पे छोड़कर कलकत्ता फिर मुर्शिदाबाद चला गया था फिर लॉर्ड क्लाब आया फिर से दोबारा अधिकार कर लिया था विलियम फोर्स में कलकत्ता के नाम से जाना जाता है चलिए नेक्स्ट अगला क्वी इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ किस युद्ध के बाद फ्रांसीसी बोले कि भैया अब चलो हम अपना घर है एने एक के आदमी रहेगा वो कौन ब्रिटिशवा तो यहाँ पे देखिए पलासी युद्ध के बाद कि बक्सर के युद्ध के बाद कि बांदीवास के बाद युद्ध के बाद या श्री युद्ध के बाद तो देखिए आपको एक चीज मैं बता दू एक बक्सर का युद्ध होने से पहले 1760 में की क्रांति भी हुई थी इस समय दो चीज हुआ था इस समय यह हुआ था कि मीर कासिम जो है बंगाल का नवाब बना था ठीक किसको हटाकर तो मीर जाफर को हटाकर वेंसिटाट को घुस देकर ही बंगाल के नवाब बने थे 1760 में और 1760 में ही वांदीवास का युद्ध हुआ था जिसमें एक तरफ ब्रिटिश और एक तरफ फ्रांसीसी जिसमें फ्रांसीसी ले विलैया हो गए चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय की किसकी राजकुमारी से विवाह हुआ था ये यद देखिए दहेज मिला था कोची बंबई की घटना है सोलह की तो बताइए फ्रांस की राजकुमारी से पुर्तगाल की राजकुमारी से या हॉलैंड की राजकुमारी से या डेनमार्क की राजकुमारी से जल्दी बताइए संगीता ये स्वागत है तो देखिए रोज आठ बजे और रोज रात को दस बजे दस बजे होगा ज्योग्राफी का पहला भारत का समान परिचय तो बस जुड़ जाइए उसके बाद टन 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 टेस्ट देते रहिए आराम से एक जमा निकल जाएगा तो बताइए कौन सा पुर्तगाल की राजकुमारी जिनका नाम था कैथनीन जी बालक जी स्वागत है जय हिंद संदीप ओके हो गया टू नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है ये रहा कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी ब्लू वाटर मतलब समुद्र पे राज जी फ्रांसिसी डी अल्मोड़ा फ्रांसिसी दी अलबुकर फ्रांसिस केनर फ्रांसिस मार्टिन ना मार्टिन का से हुएगा जी देखिए पहल का गवर्नर जो था वो था अल्मोड़ा और इसने ही ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी ठीक ना ब्लू वाटर पॉलिसी ये है बहुत भयंकर क्वेश्चन याद रख ले रहिएगा और एक चीज और बता दे पुर्तगाली एक और थ्योरी अपनाए थे थ्री जी फॉर्मूला थ्री जी मतलब होता है ये जी मतलब होता है सोना इनको सोना चाहिए था एक वो जी मतलब होता है ग्लोरी सुंदरता यानी भारतीय महिलाओं से शादी करना और एक और जी का मतलब होता है गॉड यानी थ्री जी फॉर्मूला अपनाए थे पुर्तगाली लोग ठीक चलिए आते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भारत में द्वेष शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी क्लाइव वेलेजली या एटसम <coughs> जी डॉली जी स्वागत है रितिका जी स्वागत है इसका कुछ जल्दी बताइए द्वेत शासन अंग्रेजवा बहुत तेज था साहब नवाब को दे दिया झुंझुना जुन कहा कि आप राज संभालिए आप खाली प्रशासन कीजिए अब पैसवा जो है पैसा और पुलिस रख लिया तो बोला कि बताइए यही हो गया द्वैज शासन मतलब बड़ी बेवकूफ बनाया था सब जी यही इसी को बोलते हैं द्वैत शासन तो देखिए लाइव का मतलब क्या है हम अभी आपको लाइव पढ़ा रहे हैं इसका मतलब क्लास चल रहा है ना लाइव लाइव पढ़ा रहे इसका मतलब क्लास चल रहा है तो देखिए लाइव कौन किया लाइव किया रॉबर्ट क्लाइव अच्छा हट हाटा, हटाया कौन तो याद रखिएगा शासन तंत्र लाइव हटाए वाला हैंस्टिंग ई हो गया आपका पहला जवाब इसका यही रहेगा क्लाइव का चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ई है अठारह सो सत्तावन के विद्रोह के समय बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था कुछ क्वेश्चन हो गया है लेकिन कल से कल का टॉपिक बहुत अच्छा रहेगा याद रखिएगा कल का टॉपिक रहेगा कि सामाजिक सुधार से संबंधित क्वेश्चन पूरे पूछेंगे हम जितना जैसे कि आर्य समाज ब्रह्म समाज वाला पढ़ कर आइएगा एकदम टॉपिक बाय टॉपिक एकदम क्या कहते हैं जी भोजपुरी में गर्दा उड़ा देना है एकदम यहाँ पे देखिए बहादुर शाह ने किसे शाह ए आ, आजम बहादुर का खिताब दिया था तो एक चीज आपको पता है बहादुर शाह जफर दिल्ली से लड़ रहे थे लेकिन दिल्ली से वास्तविक नेतृत्व करने वाला कौन था तो बहादुर शाह जफर का सेनापति जिनका नाम था बख्त खां ये, 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 ये ये आदमी को दिया था जी बख्त खां को ये उपाधि दिए थे अब आते हैं टू अगला क्वेश्चन अपहरण नीति सबसे अपहरण नीति अपनाया था ये तो आपको पता है सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी सतारा पर कि झांसी पे कि अवध पे कि जौनपुर में तो देखिए इस सब पे अपनाया गया था लेकिन जो सबसे पहले जो किया गया था उस सतारा पर और दूसरा वाला अवध को जो हथियाए थे तो ये कुशासन का आरोप लगाए थे अपहरण नीति क्या है आप अगर राजा टपक गए तो उनका बेटा गद्दी पर बैठेगा लेकिन अगर बेटा ना हो तो भाई वो राज हो जाएगा अंग्रेजों का इसीलिए लोग राजा क्या करते थे गोद लेते थे किसी ना किसी को तो भी गोद लेना निषिद्ध कर दिया गया तो बहुत भयंकर ये लड़ाई था भाई की डलहौजी बहुत तेज था आदमी चलिए किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया हाँ जी किस गवर्नर गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए तो एक रुपया का फुलकी लॉर्ड बेंटेक लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड कर्नवालिस लॉर्ड कैनिंग जोन बताया एक रुपया का फुल्की एक रुपया फुल्की मिलेगा कि नहीं मिलेगा जी जल्दी चलिए हम हिंट दे, दे देते हैं ये बताइए कि कौन है जो व्यक्ति अपहरण नीति लागू किया था या किसके शासनकाल में रेलवे की शुरुआत हुई थी या किसने डाक टिकट डाक टिकट की शुरुआत नहीं टेलीग्राफ लाइन सेवा की शुरुआत की थी इतना हिंट काफी है इतना नहीं हिंट नहीं समझे तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए हो जाएगा जी डलह जी गोलू राज जी स्वागत है जय हिंद यहाँ पे देखिए 1856 में डलहौजी ने अवध पे कब्जा किया तब उस समय नवाब कौन थे नसरुद्दीन मोहम्मद शाह वाजिद अली सुजाउद्दौला या अली वर्दी खां देखिए यहाँ पे अली वर्दी खां तो कहाँ थे छप्पन मिनट ई इबक्स, बक्सर के युद्ध से पहले और और का बोलते हैं पलासी के युद्ध के बाद थे नहीं 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 पलासी के युद्ध से पहले थे बक्सर युद्ध में थे और ये वाजिद अली शाह जो थे यही थे बेचारे ये अवध में रहते थे बोल दिया गया कि आप राजपाट छोड़ दीजिए और इनको भेज दिया गया कोलकाता समझे कोलकाता तीरा वाजिद अली शाह चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे तो यहां पे देखिए रॉबर्ट क्लाइव विलियम बेंटिक या है पहले गवर्नर कौन थे गवर्नर जनरल कौन थे देखिए अगर हम बात करें ना तो यहां पे समझिए काहो बिल्ली मौसी ठीक ना ये याद रखिएगा बंगाल से संबंधित है का हो मतलब बंगाल से तो पहला बना कोची कौ, गवर्नर तो क से क्लाइव हो जाएगा तो पहला गवर्नर अगर पूछेगा तो क्लाइव होगा और अगर पहला बंगाल का गवर्नर जनरल पूछेगा तो ह से क्या हो जाएगा हेस्टिंग समझे ई हुआ आपका कोची और भारत का पहला तो ई हो जाएंगे तो यहाँ पे होगा पहला गवर्नर जनरल कौन वारेन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन श्रीरंग पटनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंपा सौंप दिया गया था निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था मैसूर को हम्पी को कन्नूर को या मालावार को अब बताइए क्या संगीता जी ऐसा जी सबको सही जवाब दे रहे लोग तो एक बार थोड़ा शेयर वर्ड कर दीजिएगा दिल से थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और सबसे बड़ी बात आप लोग आए धन्यवाद ठीक है आप लोग आए धन्यवाद ऐसे ही आते रहिए मुलाकात होते रहेगा मैसूर हम्पी कन्नूर या मालावार तो इकोची होगा तो इसका होगा मालावार 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 कोची है जी ये तट है ये केरल वाला कट बोलते हैं मालावार तट चलिए बहुत बढ़िया मुन्ना जी भी आ गए हैं वंदना जी भी आ गई हैं सब चंदन जी भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ई रहा निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का अस्थाई माल गुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था क्लाइव हेंस्टिंग वेलेजली या कर्नवालिस कर्नवालिस भैया ये तो नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है साथ में ये होता है अस्थाई बंदोबस्त अस्थाई बंदोबस्त करने वाला मतलब जमींदारी प्रथा जमींदार को बना दिया गया जमीन का मालिक वो किसान से पैसा लिया और फिर अंग्रेजों को दिया एक परसेंट अपने पास रख लिया तो करने वाले थे कौन कार्नवालिस समझे तीन बंदोबस्त होती है एक अस्थाई बंदोबस्त एक रैयतवाड़ी और एक महालवाड़ी तीन व्यवस्था से आप जरूर क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आ जाता है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में हुआ था डलहौजिया चेम्स फोर्डवा या एलन बरो या एनब्रो कोची होगा इसका जवाब बता दीजिए तब मान जाएंगे देखिए ये आदमी है एल एन बरो बहुत बढ़िया चलिए अगला क्वेश्चन हुआ देखिए ये तो भाई सबको पता है कि अच्छा ये चेम्सफोर्ड वाला जरूर याद ये ये बाप बाप यी होम रूल्स लिख से लेकर असहयोग आंदोलन के तक में ही था इसलिए बड़ी एग्जाम में आता है हेस्टिंग का तो याद रखिएगा ये पहला अंग्रेज एकमात्र अंग्रेज अधिकारी था जिस पर महाभियोग चला था और सत्रह सो तिहत्तर चौहत्तर में पर, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी आई तो महा थी है डाकू आदमी है चलिए नेक्स्ट अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुल कुलपति कौन थे तुई, 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 तुई. चलिए बताइए तो इसके थे इसके थे हकीम अजमल खां ठीक हकीम अजमल खां अलीगढ़ के चलिए अब बताइए भारत में पहला रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी ले बिलैया हम तो जानते थे कि डलहौजी जो है डलहौजी जो है यही रेलवे का जनक है लेकिन तो पटरी बिछाए वाला भी क्वेश्चन आ गया जी चलिए पटरी कौन बिछाईला था बुलेट ट्रेन का विलियम डडले रोजर स्मिथ जॉर्ज क्लार्क या वारन हैस्टिंग तो इसका है जवाब असली जवाब है जॉर्ज क्लार्क घड़ी देख देख के पटरी बिछे थे अगला है भारत में बजट व्यवस्था का प्रारंभ किस वायसराय के काल में हुआ था आपको पता है कि अभी बजट पेश हुआ था है कि नहीं तो इका होगा जी कैनिंग होगा कि डलहौजी होगा कि रिपन होगा कि ई होंगे तो देखिए 1860 में समझे 1860 के पास इसमें बजट व्यवस्था शुरू किया गया था जॉर्ज विल्सन नाम के व्यक्ति थे उन्होंने पहली बार बजट पेश किया था और उस समय वायसराय जो थे जो अठारह के समय थे या भारत के पहले वाइसराय जो कहे जाते हैं लॉर्ड कैनिंग चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भारत में अंग्रेज का पहला अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था हम तो ना किए थे लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है देखिए इनके द्वारा भी लिखा गया किताब मराठा और केसरी बड़ी एग्जाम में आता है और साथ में एक और किताब हुआ है गीता रहस्य राजा राम मोहन राय ये तो संवाद को मोदी नहीं क्या लिख लेते बहुत किताब ये भी लिख लेते हैं एनिप्रेट तो कुछ लिख ले। ए, विलियम्स बेंटिक तो सती प्रथा के थे। ए, हिक्की साहब है हिचकी खा खा के पत्र लिखे थे मतलब समाचार पत्र जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं आप लोग बहुत अच्छी तैयारी है नेक्स्ट अगला सांप्रदायिक निर्वाचक क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई थी मतलब कहे का, का मतलब है हिंदू अलग हो जाएंगे मुस्लिम अलग हो जाएंगे और मुसलमानों के लिए पृथक यानी अलग चुनाव निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी तो निर्वाचक व्यवस्था कब शुरू की गई थी तो आप कहिएगा उन्नीस मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम के द्वारा तो ये उन्नीस जी सॉरी उन्नीस में मार्लो सुधार वाला में ठीक चलिए अब आते हैं नेक्स्ट बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे एशियाटिक सोसाइटी देखिए ये ये तो तो भैया भैयाख पढ़ लेते थे अशोक का अभिलेख जो ब्राह्मणी लिपि वाला था अठारह सैतीस में लेख पढ़ लेते ले का है आ गए भाई चलिए अगला क्वेश्चन आपका रहा कोची एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे तो वो थे सर विलियम जोन्स चलिए बहुत बढ़िया चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारती का नाम क्या था सुरेंद्र नाथ बेनर्जी सरोजीन नायडू लाल लाजपत राय या सी आर इसका जवाब होगा कुछ तो देखिए भाई इसका बहुत आसान क्वेश्चन है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं और ऐसे भी आप पढ़े होंगे बंगाल विभाजन में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका इनकी थी जय हिंद तिवारी जी वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमिटी ने कमीशन ने निम्नलिखित में से किस विषय पे तहकीकात की थी हंटर वा वाला बहुत बेकार आदमी था लोग जी बताइए उन्नीस सौ उन्नीस में जलिया वाला बाघ हत्याकांड हुआ था उसमें बहुत लोग मारे गए थे कहता है कि जो जनरल डायर है वो दोषी नहीं है बताइए तो अब बता दीजिए कौन सा हो गया तो ये वाला जलिया वाला बाघ हत्याकांड में उसमें कहा कि नहीं वो निर्दोष है चलिए आगे पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारकों को हितवादी कहा जाता है ये सवाल आपके हर एग्जाम में ऐसा ही दरोगा दे रहे हो या बिहार एसएससी का इतने फॉर्म भरे हुए हो या अगर आप बीपीएससी टीचर का दे रहे हो या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो बड़ी काम आने वाला है बड़ी खोज खोज के क्वेश्चन लाते हैं तो आप बता दीजिए कोची होगा लोकहितवादी कौन है वो तो वो है गोपाल हरि देशमुख आंख बंद करके मारे टन से दम। अगला क्वेश्चन नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है दयान सरस्वती श्री रामकृष्ण या राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद नए भारत का पैगंबर कल यहीं से अधिकतर क्वेश्चन होवेगा तो वो थे नए भारत के पैगंबर नए जी ठंडा नहीं लग रहा है ई तो हो जाएंगे श्री राम कृष्ण अब ठंडा कोची का समझे नेक्स्ट अगला अठारह के विद्रोह के समय अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था देखिए आप यहां पे गबड़ाइएगा भयंकर गबड़ाइएगा इसका जवाब दे दीजिएगा तो दो रुपये का फुलकी दो रुपये का फुल्की हम खिलाएंगे है किसी में दम इसका जवाब दे दे पच्चीस नंबर का पच्चीस नंबर का पच्चीस नंबर का जल्दी डी तो देखिए उस समय बिसेंट आयर थे एगो आयर वाले थे एगो टेलर साहब थे लेकिन अरे इनकी लड़ाई हुई थी जब जगदीशपुर पहुंच गए थे वीर कुंवर सिंह तब इनसे लड़ाई हुई थी लेकिन ये दोनों नहीं थे वो थे राजा जंग बहादुर समझे राजा जंग बहादुर किसी को फुल के नहीं मिलेगा कंसिल अमर सिंह ने अठारह के विद्रोह के दौरान अपनी सरकार कहा किए थे देखिए जगदीशपुर से तो वीर कुंवर सिंह लड़ रहे थे आरा जगदीशपुर में आता है ये दोनों कैंसिल सी भूम वाला अगर हटा दीजिए तो यहाँ पे आ जाता है कैमूर और यही इसका सही जवाब है रोहतास की पहाड़ियों से गोरीला युद्ध की लड़ाई करते थे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन किस क्रांतिकारी पुस्तक को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित लगा दिया था ये भयंकर क्वेश्चन है जी डॉली जी का सही आंसर था ए, पहले वो चौबीस वाला दे रही थी कि पच्चीस वाला ना चला जी ये दशेर कथा जिसको लिखने वाले गणेश कुछ नाम से हैं ठीक याद कर लीजिएगा चलिए नेक्स्ट अगला है बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना पतनायक कौन था लॉर्ड क्लाइव पैसा लेकर चला गया था इंग्लैंड अब बक्सर का लड़ाई किसी दूसरे पर छोड़ दिया था टाट कौन था वेट सत्रह सो साठ में था पैसा लेकर मीर कासिम को मनावा बनाया था और जो लड़ने वाला था वो था मी हेक्टर मुनरोक्टर मुनरो हाँ अगला है बिहार में ब्रिटिश सत्ता का विरोध सर्वप्रथम किसने किया था ये बिहार से गोलगप्पे चाहिए कैसे मिलेगा जी देखिए इसमें ना बड़ी खतरनाक है बिलायत अली सिंह अली लेकिन ना अली गोहर इसका सही आंसर है इसमें कभी भी आप मिस नहीं कीजिएगा ठीक ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी का अधिकार किसने प्रदान की थी यानी किकरा से मिल गया बिहार बंगाल उड़ीसा की दीवानी आई हुआ था इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त उन्नीस नहीं सत्रह सो पैसठ हुआ था सम्राट के साथ हुआ था यानी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय समझे तो चलिए फिर अब हम आपको बता देते हैं कल आप याद रखिए पढ़ के आइएगा सामाजिक सुधार या धार्मिक सुधार जैसे कि राजा राम मोहन राय सरस्वती इस तरह के क्वेश्चन देखिए मैं वही टॉपिक ज्यादा उठा रहा हूं जिस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आता है तो पहले उन उन टॉपिकों को उठा कर करते हैं फिर उसके बाद पूरा का पूरा संपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास जो होगा ना वर्ष बाई वर्ष एकदम कंटिन्यू कराएंगे मेरा मकसद आपका रिवीजन कराना है अगर आप मेरा मकसद अच्छा लग रहा है तो कंटिन्यू जुड़े रहिए बाकी आपकी इच्छा हम कुछ नहीं कर सकते हैं आपको जैसे पढ़ना है पढ़िए लेकिन मुझे मुझे जहाँ तक अच्छा लगता है कि लोग किसी सब्जेक्ट को जितना बार रिवीजन करते हैं ना उतना ज़्यादा आपका सब्जेक्ट मजबूत होते जाता है जीएस कोई बड़ा चीज़ नहीं है लेकिन ना पढ़े तो बहुत खतरनाक चीज़ है तो पढ़ना जरूरी है ठीक है तो मिलते हैं रात को दस बजे ज्योग्राफी का टेस्ट रहेगा पहला पार्ट आज से ये दोनों शुरू हुआ है ये भी और ज्योग्राफी वाला भी तो दस बजे मिलते हैं नहीं अभी ठीक है सामने आने से क्या मतलब है क्वेश्चन से मतलब है ना जी क्वेश्चन क्वेश्चनवा आ रहा है कि ना आ रहा है क्वेश्चन छिप जाता है इसलिए अब नहीं आता है सामने अभी एकदम ऐसे ही कीजिए लगातार आएंगे जब आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा ठीक तब तो मिलते हैं बाय बाय अगले दिन नहीं दस बजे जय हिंद